Hallelujah, 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 rabba, shandaraba, nalara, balara, dadada, nalara, daba, kama, baba, rashika, nalara, rarara, baba, baba, nalara, dadaba. मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, इस नए दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह महान प्रभु है, वह जीवित प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए सबसे पहले नम्र और दीन होकर टूटा और पीसा मन लेकर प्रभु के करीब आ जाएं, पवित्रता में शोभायमान होकर उसके करीब आ जाएं, अपने आप को नम्र करें, दीन करें, प्रभु के करीब आ जाएं और हरेक उपकारों को याद करें, स्मरण करें कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, उसके लिए खुदा का धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, खुदा को धन्यवाद कर क्योंकि उसने तेरे अधर्म को क्षमा किया है, पिता को धन्यवाद क्योंकि उसने तेरे रोगों को चंगा किया है, पिता को धन्यवाद कर कि उसने तेरे सिर पर करुणा का मुकुट बांधा है, पिता को धन्यवाद कर क्योंकि उसने तेरे सारे अधर्म जो लाल रंग के समान थे उसे श्वेत कर दिया है, पिता को धन्यवाद कर क्योंकि तेरे पाप को, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को उदय चल से लेकर अस्त चाल तक की जितनी दूरी है उतनी दूर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, मैं धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के पास जाता हूं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे छुआ, मेरे प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया, मेरे प्रभु ने मुझे दलदल के कीच से उभारा है, मेरे पैरों को टलने से उसने बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्राणों को उसने मृत्यु से बचाया है, मेरी आंखों में से आंसू बहाने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने आप को नम्र करके प्रभु के पास लाता हूं। दाऊद कहता है, मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मेरा प्रभु मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग है, वो मेरा परमेश्वर मेरा भाग है और मेरे परमेश्वर के अलावा मेरा कोई है ही नहीं, मेरे प्रभु के सिवा कोई मेरा कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मुख से प्रभु यहोवा की महिमा निरंतर होती रहेगी, क्योंकि जब मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने मेरी सुन ली है। क्या आप आज मेरे साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे प्रियो? क्या आज संपूर्ण जीवन से खुदा के पास आना चाहेंगे आप? इस जीवन के लिए, नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को पवित्रता में शोभायमान करें, अपने आप को प्रभु के सामने जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दें, समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, आप प्रभु के सामने अगर दीन बनोगे, प्रभु कहता है, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, उन्हें तृप्त करेगा प्रभु। इसलिए धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, लेकिन आज मेरी और आपकी प्यास यही है कि मुझे आशीष मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। लेकिन प्रभु कहता है, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन हैं, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी वही होंगे। यदि आपको पृथ्वी का अधिकारी होना है, यदि आपको आशीष पाना है,
अपने आप को दीन कर दीजिए, प्रभु के सामने दीन हो जाइए, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा करेगा। छोटे से छोटे बच्चे से आप ज्यादा नम्र हो जाइए। प्रभु कहता है, एक बच्चे को लेकर कहता है कि इस छोटे से छोटे बच्चे को इसके समान अगर मुझे ग्रहण करते, मैं उसे शिरोमणि बनाऊंगा, उसे मैं ऊंचा करूंगा, उसे मैं बड़ा करूंगा। प्रभु कहता है यदि तुझे बड़ा होना है तो छोटा बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड रबा शंदा रबा नला रदा दादा नला रबा। मेरे प्रियो, अपने आप को दीन कर दें, अपने आप को नम्र कर दें, क्योंकि टूटा और पीसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और टूटा और पीसे मन को परमेश्वर स्वीकारता है। और आज इस समय में आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, पीछे मुड़कर ना देखें, पीछे मुड़कर ना देखें, दाएं बाएं ना देखें, खुदा की ओर देखें, पिता की ओर देखें, उसको निहारें, उसके करीब आ जाएं, प्रार्थना पूरी करें, अधूरी छोड़कर ना जाएं, अधूरा विश्वास ना हो, अधूरी आशा ना हो, मरी हुई आशा ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे करीब हैं प्रभु, उन्हें नम्र कीजिए, दीन कीजिए, और जितने भी नम्र और दीन होकर तेरे करीब हैं प्रभु, तेरे चरणों में है प्रभु, तेरे निकट है प्रभु, वो आनंद की भरपूरी पाए, वो खुशियों की भरपूरी पाए, वो आशीष की भरपूरी पाए, वो पृथ्वी के अधिकारी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, आज जितने भी नम्र और दीन होकर तेरे करीब आए हैं प्रभु, उन्हें पृथ्वी का अधिकारी ठहरा दे मेरे प्रभु, उन्हें शिरोमणि बना दे, उन्हें ऊंचे स्थान पर रख मेरे प्रभु, वो उच्च स्थान पर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों का कोई भी अपमान ना करने पाए, नाम ध्राय ना करने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आशीष दे। और आज जितने भी बेरोजगार हैं और जो नम्र और दीन हैं, उनकी आज बेरोजगारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, उनकी परिस्थितियां बदल जाए, उनके नाम धराई खत्म हो जाए, उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बना दे प्रभु यीशु के नाम में। शिरोमणि होने पाए, ऊंचे स्थान पर होने पाए मेरे पिता, आशीष दीजिए। उनकी बेरोजगारी, उनका कर्ज खत्म हो जाए प्रभु, उनके लिए प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर मेरे पिता, जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए मेरे प्रभु, उनका सिलेक्शन हो जाए, उन्हें सिलेक्ट कीजिए मेरे प्रभु, जिन्होंने भी एग्जाम और इंटरव्यू दिया है प्रभु यीशु के नाम से, वो सरकारी जॉब प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। जो देश विदेश के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तू प्रबंध कर प्रभु, और रास्ता तैयार कर प्रभु, रास्ता खोल दे मेरे प्रभु यीशु के नाम से, रुके हुए काम बन जाए, सफल हो जाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, उनके लिए रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। जितने भी जॉब और बिजनेस करते प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, प्रमोशन प्रभु, एक स्टेप और बढ़ जाए, एक स्टेप और स्तर बढ़ जाए मेरे प्रभु, उन्हें आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी स्टूडेंट्स है प्रभु, उन्हें बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, और उन्हें टॉपर कीजिए प्रभु, पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ और पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे मेरे यीशु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने पाए, और परमेश्वर पिता वो ऊंचे स्थान पर रखे जाए, उनका अच्छा और सुनहरा भविष्य होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचे स्थान पर रख मेरे पिता, उन्हें शिरोमणि बनाइए मेरे पिता, उनको पिता परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी ठहराइए प्रभु, जो नम्र और दीन ते होकर तेरी सेवा करते हैं किसान भाई बहन, तेरे पर विश्वास करते प्रभु यीशु के नाम से, उन्हें शिरोमणि बना, उनकी फसलों में, उनके पशुओं में, उनके बच्चों में, उन्हें बढ़ती कर मेरे प्रभु, बढ़ती कर मेरे प्रभु, कर्ज चिंताएं टेंशन खत्म यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा रिखा नला रा 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 बा 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 नला रा 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 बा, यीशु के नाम से उनके पशुओं के, उनके फसलों के, उनके बच्चों में आशीष दे मेरे प्रभु, भर्ती कर मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते। जितने भी नम्र और दीन है प्रभु, उन्हें शिरोमणि बनाइए, जितने भी नम्र और दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिनके कठोर मन अभी भी है प्रभु यीशु के नाम से पिघल जाए यीशु के नाम से, उन्हें मांस का हृदय दे मेरे पिता, मांस का हृदय होने के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा।
धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनकी सुधि लीजिए, उनकी मदद कीजिए और आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी आज बीमारी की हालत में उन्हें छंगाई दे मेरे प्रभु, यीशु के नाम से उठाकर खड़ा कीजिए। आईसीयू में है, कोमा में है, हॉस्पिटल्स में प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कर चंगाई दे, चंगाई दे मेरे प्रभु, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु। खामा बाबा 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 बा यीशु के नाम से आज उठकर खड़े हो जाए, यीशु के नाम से दौड़ने लग जाए, आनंद के साथ प्रभु आपकी महिमा करने लगे प्रभु। गुप्त बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। छूले मेरे यीशु, छूले मेरे प्रभु, छूले मेरे खुदा, छूले जे। और कैंसर की बीमारी, एचआईवी एड्स की बीमारी, रसोली की बीमारी, बवासीर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ओ पथरी की बीमारी, और ब्रेन हेमरेज की बीमारी, थायराइड की बीमारी, लकवे की बीमारी, ओ शुगर की बीमारी यीशु के नाम से, टीबी की बीमारी खत्म हो जाए प्रभु। चंगाई दे, सीने का दर्द, पेट का जलन, आंखों का जलन प्रभु, हड्डी हड्डी का नस नस का दर्द खत्म हो जाए प्रभु। दया कीजिए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितना भी निसंतान है प्रभु उन्हें संतान दे प्रभु, उन्हें औलाद दे मेरे पिता, औलाद दे मेरे यीशु, औलाद दे मेरे खुदा। जितने भी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं, गुप्त बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए और छू कर चंगाई दे मेरे प्रभु। उन्हें औलाद दे मेरे यीशु, औलाद दे मेरे प्रभु, औलाद दे मेरे खुदा। खामा बाबा बाबा रशखन रिबा लबा नबा लबा शबा लबा रिबा लबा नबा, यीशु के नाम में तू छू कर चंगाई दे और उनका औलाद होने पाए, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे प्रभु। जितने भी बहने प्रेगनेंसी में प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए और उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कीजिए। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, विशेष करके पिता परमेश्वर पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो पति नशा करके पत्नियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश फैलाते हैं प्रभु, उनका नशा छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग कराने वाली शैतान की शक्ति, लड़ाई झगड़ा कराने वाली शैतान की शक्ति, नशा पिलवाने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से भस्म हो जाए, खत्म हो जाए और पति के जीवन को बदल दे। पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहे, एक दूसरे का आदर करें, पत्नी के जीवन को भी बदल दे। जो विश्वास नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन पत्नियों के भी जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम से। एक दूसरे से प्रेम करें, बच्चों के जीवन को बदल दे। जो बच्चे अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत संगति में, व्यभिचार में है, कुकर्म में है, नशे की दुनिया में है, ओ पिता परमेश्वर गेम की दुनिया में है, खेल की दुनिया में है, ओ मोबाइल की दुनिया में है प्रभु यीशु, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे मेरे प्रभु, उनके जीवन को बदल दे। वो अच्छी संगति करे, तेरे वचन को थामने वाले बने, तेरे वचन को थामने वाले बने। उन बच्चों के जीवन को बदल दे, जवानों के जीवन को बदल दे। वो अपनी स्टडी करे, वो अपना जॉब करे, वो अपना बिजनेस करे प्रभु यीशु के नाम से। और शादी लायक है तो उनका यीशु के नाम में शादी का प्रबंध करे, जोड़ा तैयार करे। जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते हो, ऐसा ही जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, पूरा परिवार मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी जय जयकार करें मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। और पिता परमेश्वर जो घर बना रहे प्रभु, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, खेती ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, ओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्थाएं कर, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर मेरे पिता। विशेष करके तेरे दास, तेरे दासियों के लिए प्रार्थना करते, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते जो कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, और तेरे दासों के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर जो हमला आए दिन हो रहे हैं, सताव हो रहे, प्रभु यीशु के नाम से तेरे दासों को, तेरे लोगों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे और लगातार तुझ में आगे बढ़े। भारत सरकार को बदल दे पिता परमेश्वर, भारत के कोने कोने में, राज्यों में, गांव में, शहरों में, नगरों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी सेवकाई बढ़ती जाए, आपका राज्य बढ़ता जाए, आपका राज्य बढ़ता जाए। तेरे दासों को, तेरे लोगों को कोर्ट में, पंचायतों में और पिता परमेश्वर चौकों में तूने इस्तेमाल कर प्रभु, और आपकी महिमा होते हुए आगे जाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी नम्र और दीन है प्रभु, उन्हें तू शिरोमणि बनाएगा, हम विश्वास करते हैं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित रब्द नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर ने बोला
आमीन। मेरे प्रियो दिन भी बनिए प्रभु के सामने, वो आपको जरूर शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में आगे बढ़े। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसे ही पावरफुल प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना, पिता की महिमा कर सके। आप रोज हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में भी जुड़ सकते हैं, सुबह 6:30 बजे और शाम को 8 बजे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।